तो यो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप देख रहे हैं परमिंदर ब्लॉग। तो गाइस सर आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह एक स्टेडियम के पास, ठीक है। वहाँ पे हम चिड़ियों को दाना डालने जाते हैं रोज, तो सोचा था कि आज आपको भी दिखा दें कि वहाँ पे किस तरह की चिड़िया होती है। सारे होते हैं वहाँ पे, तोते भी होते हैं और मोर भी होते हैं और चिड़िया सारी होती है। तो चलो लेकर चल रहे हैं वहाँ पे। आपको लंच भी आ रहा है, लंच तैयार होकर आ रहा है, आ जल्दी, लंच भी आ रहा है। तो हम जा रहे हैं गाइस, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं। तो हम जा रहे हैं वहाँ, पहुँच कर फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी निकलो फटाफट। हम पहुंच चुके हैं फाइनली स्टेडियम के पास, ठीक है। आप देख सकते हो और यहाँ पर देखो कितने सारे कौवे भी हैं और कितने सारे यहाँ पे वो भी है ना, क्या बोलते हैं, देखो कौवे देख रहे हैं यहाँ पे। दीवार सारी दीवार जो है ना, इस पर सारा कुछ तो लोग वगैरह खाने पीने का डालते हैं, ठीक है। तो खाने पीने का डालने के साथ साथ वो पानी वगैरह भी रखते हैं यहाँ पे। और दिखा सकता हूँ मैं आपको, देखो कौवा दिखाता हूँ मैं आपको, वेट, ये देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे तोते भी आते हैं गाइस सुबह सुबह। और ये देखो सब ने खाना लगा रखा है, देख रहे हो। और अंश के तो थोड़ी तबीयत खराब है गाइस, तो है अंश बेचारा। तो गाइस सर मैंने एक गलती कर दी, क्योंकि ना मैं ना उनके लिए ले आया लेकिन डॉग्स के लिए लाना भूल गया। तो मुझे डॉग्स के लिए भी लाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर डॉग्स की शक्ल देख रहे हैं। तो कल से डॉग वगैरह के लिए भी लेकर आऊँगा और बाकी मिर्च वगैरह लेकर आता हूँ, मिर्च लेकर आता हूँ मैं। और नमकीन का पैकेट मेरा खाली हो चुका है डाल के, ठीक है। तो बाकी हम चल रहे हैं घर, क्योंकि यहाँ पर तो यार आज सुनसान सा हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा पार्क भी है और वैसे भी इसकी मम्मी को छोड़ के आना है स्कूल, तो मैं घर जा रहा हूँ फटाफट और बाकी का ब्लॉग घर जाके स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ वापस वहाँ से, और अब मैं जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि मैं सुबह सुबह नहाया नहीं था, सुबह सुबह जिम गया था। जिम में जाने की वजह से अब थोड़ा शरीर में थकानी महसूस हो रही है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ नहाने, और नहाने के बाद ना, सॉरी नहाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो ना मेरे घर पर जानवर पता नहीं क्या बात रहते इतने सारे। वहाँ पर भी मैं उनको चिड़िया को दाना वाना डाल कर आया, घर आके देखा
जैसे देखो तुम, अब मेरे पास ना एक, मैं डॉग्स को ना वो दूध वगैरह डाल के देता हूँ, ठीक है। एक एक डोंगा सा है अपने पास, ठीक है। तो उसको ना मैं डॉग्स को ना दूध वगैरह डाल के देता हूँ डोंगे से मैं। तो क्या है ना, मैंने उस डोंगे को जब देखा तो उसके अंदर ना मेरे को एक अजीब सी चीज़ दिखी, लेकिन फिर मेरे को पहचान ली। मैंने बोला हाँ ये तो मैं, इसको तो मैं जानता हूँ कि हाँ ये तो घूमते रहते हैं घरों में, ठीक है। लेकिन बहुत कम दिखती है, रेयर दिखती है। वैसे तो बहुत स्पीड होती है इसकी भागने की, ठीक है। तो अब मैंने इसको देखा, ये आराम से उसमें बैठी हुई थी। तो मैं भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मेरे पास ये है, ये व्हाइट कलर का है ना, व्हाइट कलर का। अब इसके अंदर है वो चीज़, रुको दिखाता हूँ भाई। यार देख रहे हो से, ये है वो सांप की मौसी जो भी आप बोलते हो, ठीक है। ये देखो इसकी आंखें तो पता नहीं कहाँ, ये रही छोटी सी आंखें हैं इसकी, ठीक है। और आप देख ही सकते हो ये काफ़ी ख़तरनाक होती है, कहते हैं कि लोग बहुत ख़तरनाक होती है। लेकिन ये पता नहीं इसके अंदर ना, डब्बे के अंदर ना कूद गई होगी, तो इसके अंदर ये बेचारी पैक हो गई। वाओ कितनी छोटी है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक होती है गाइस। तो इससे दूरी बना के रखना। देखो देख रही है कैमरे कोई। ओ भाई तो गाइस देख रहे हो क्या दिख रही है, चढ़ने की तैयारी कर रही है। इसके पैर देख रहे हो कितने छोटे छोटे से हैं, इतनी छोटे छोटे पैर हैं इसके। और ये ना ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रही है, उसके पीछे से ना सारा इसका मांस कटा हुआ है। ये देखो चढ़ने की तैयारी कर रही है बेचारी, लेकिन बाहर निकल ले बाहर ही है। तो इसको बाहर फेंक देते हैं हम, ये अपने आप भग जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसको बाहर फेंक देते हैं। वाओ कलर बड़ा अच्छा यार इसका। तो इधर देखा आपने, वो ना एक जहरीली सी, एक जहरीली सी सांप की मौसी थी। तो ना वो मतलब कि देख रहे खतरनाक से तरीके से देख रही थी ना। तो ये तो अभी आया थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी तेज ही बोलो बेटे, थोड़ा ग्लूकोज पियो। तो वैसे मम्मी पापा सो चुके हैं, ठीक है। हम इस टाइम पे रात को फिर से 12 बजे ब्लॉग बना रहे हैं। सुबह हमारा हाँ गाय से हमारा नया बेड आया आज, ठीक है। मैं आपको बेड दिखा देता हूँ। तो गाई यार ये देखो, ये है मेरा न्यू बेड जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और इस पे सोने का गाइस सर मज़ा ही आ गया, क्योंकि इसका गद्दा अंदर बैंड हो जाता है। और ये देखो लगा हुआ है मेरे बेड पे सोने के लिए। अच्छा वीडियो में छोटा लगेगा, वैसे बहुत बड़ा है। कह रहा है वीडियो में छोटा लगेगा, वैसे बहुत बड़ा है। वाह अगर वीडियो में बड़ा होता तो अच्छा, तो बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे बड़ा ही है। लेकिन देख रहे हो इसकी लेंथ, देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। इस पर कम से कम 2 या 3 लोग सो जाएंगे। सही बताऊँ तो मैंने सो के देखा था, पहले मैं सोया था, फिर पापा सोए, फिर ये भी सो गया। ऐसा एक और इंसान सो सकता है, ठीक है, मतलब कि 3 लोग सो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा है, तो आज मैं अकेला इस पर सोने वाला हूँ, ये तो पता चलेगा। मैं अकेला सोऊंगा फैल के आराम से। और तो गाइस यार आज पता है हमारा मूड था सुबह सुबह ब्लॉगिंग करने का। अब सुबह बनाई आपके सामने जब हम आ गए थे स्टेडियम, और स्टेडियम जाने के बाद फिर आके मेरे को वो दिखा, मैंने उसको भी ब्लॉग बना दिया। और अब देखो वहाँ से तब से टाइम और टाइम छोड़ के काम सारे कंप्लीट करने के बाद, बेड वगैरह उठाने के बाद, ठीक है, तो अब जाके हमारा रात को ब्लॉग बन रहा है 12 बजे, जिसमें आंखों में नींद आई पड़ी है बहुत बुरी तरीके से। और एक अलग ही मज़ा सा आ रहा है, सब सो रहे हैं, देख रहे हो सारे सो गए, पापा भी सो गए, मम्मी भी सो गई, सब सो गए, है ना। और इस टाइम अगर शोर किया ना तो माँ कसम बहुत मार पड़ने वाली है, मेरे को तो पड़ेगी, ये तो भग लेगा ऊपर, और मैं भगा, मैं नहीं भग सकता, मेरे लगे हुए पैर में, ठीक है। चलो निकल, तो गाइस यार इसको सुला देता हूँ मैं, निकल चल सुला जा रही। तो गाइस यार ये सुबह स्कूल नहीं जाएगा दोबारा से, क्योंकि स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। इसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, ये भिखारी है, ये नहीं जाता है स्कूल। कहना चाहते हो इस बात के लिए कहिए ऑडियंस को। आपने देख ही लिया एक, क्या तूने मेरा कल नाम क्या बोला था, महेंद्र प्रताप सिंह का जादू आपने देख ही लिया। पहले इसने जीप छोटी करी, फिर उसके बाद इसने जीप बड़ी करी, तो आपने जादू देख ही लिया होगा। इसको जादू पता था तरीके से आता है। तो गाइस कभी मैं अगर जिम जाऊंगा सुबह तो कभी जिम का भी ब्लॉग बनाऊंगा अपना, ठीक है। लेकिन यार पता क्या, सुबह सुबह यार मेरे को ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता, सुबह सुबह 5 बजे कौन ब्लॉग बनाएगा, है ना। और वहाँ पे वैसे भी सारे एक्सरसाइज करने आते हैं,
तो मैं ब्लॉग अगर शूट करूँगा तो मैं किससे शूट करवाऊँगा अपना ब्लॉग, क्योंकि इसको तो अंदर एंट्री नहीं देंगे, ये बोलेगा अब जा हड्डी बांध निकल, है ना। इसकी भी एक्सरसाइज देख लो क्या कर रहा है। एक ऐसा नहीं लग रहा यहाँ से माचिस की तिल्ली उखड़ रही हो बेचारा, बस 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 थक गया, ऐसा नहीं लग रहा इसके हाथ माचिस की तिल्ली हो। तो गाइस सर आज हम जा रहे हैं, बस इतना ही हो गया ठीक है आज के ब्लॉग में। लेकिन गाइस देखो हमें हार नहीं माननी है, हमें भागना है ठीक है, तो हमें 365 डेज ब्लॉग चैलेंज कंप्लीट करना है। कह रहा है मेरा खुद का स्टूडियो बना दे, साला मेरा खुद का तो स्टूडियो नहीं है, अंजर पंजर हिला पड़ा। हाँ जैसे मैं सौरभ बोल रहा था कि मेरे को एक नया स्टूडियो बना, फिर उसका स्टूडियो मिल गया था एक दो साल बाद। बेटे भाई देखो सौरभ जोशी के 4 वीडियोस बाद ही 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, क्योंकि उसकी पहले से फेस वैल्यू थी, है ना। अब इन जैसे को कौन समझाएगा, हमारी फेस वैल्यू भी नहीं है, हमें बनानी है, हमें कुछ करना है, कुछ भाई कुछ करना पड़ता है समझा, मेहनत करनी पड़ती है। उठ जा ऊपर निकल चल उठ। तो गाइस सर आज के ब्लॉग में बस इतना ही ठीक है, हमें मैं बता रहा हूँ मेरे को कभी भी चाहे बुखार, आज मुझे अभी भी बुखार था, मुझे इतना जोर से जुखाम हो रहा है अंदर ही, मतलब कि एक अजीब सी इरिटेशन से महसूस हो रही है। तो आज मुझे जुखाम भी हो रहा है, मुझे बुखार भी हो रहा है। तो गाइस सर आज के ब्लॉग में बस इतना ही ठीक है, मिलते हैं कल के सुबह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।